नेटवर्क्स मीडिया होता क्या है? बेसिकली हम मीडिया उसको कहते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसके दरमियान जितने भी रिसोर्सेज यूज होती हैं, खास तौर पर अगर आपके पास एक मोबाइल सेल है और दूसरी तरफ भी मोबाइल सेल है और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके दरमियान जो जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स या डिवाइसेस होती हैं उनको हम नेटवर्क मीडिया कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास केबल भी आ जाता है, कनेक्टर्स भी आ जाते हैं, हब होता है, स्विच होता है, राउटर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, फायरवॉल होता है, एंटीना होता है, फिर उसके बाद मॉडेम और एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सब डिवाइसेस मिलती हैं तो हमारे पास नेटवर्क मीडिया बनता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारे पास ये सारी आवाज़ और वॉइस कम्युनिकेशन सब कुछ हो रही होती है। इनके बगैर अगर कोई भी चीज़ ब्रेक होगी तो हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को कवर करते थे, इसके अंदर हम बात करते हैं किसी केबल की। बेसिकली केबल्स क्या है? केबल हमारे पास फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए काम आता है। तो इसकी बेसिकली तीन टाइप बड़ी मेजर है, एक है कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। या आपने फाइबर ऑप्टिक का नाम भी सुना होगा, ट्विस्टेड पेयर का नहीं मगर कोएक्सियल का पुराना यूज किया होगा। तो ये तीन टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो यूज होती है, राइट। अच्छा, अब ये जो कंपनी, इसमें लिखा है IEEE, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाती है, जिसके अंदर ये सारी फिजिकल वायरिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इनके कुछ कोड होते हैं, हर डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर आपको इस तरह के कोड नजर आएंगे। जब भी वो डिवाइस आप पीछे उसकी पढ़ लें तो उसकी डिस्क्रिप्शन पे ये कोड लाजमी होंगे। तो इसके अंदर आई थिंक 802.3 कुछ कोड लिखा हुआ। तो ये इसके स्टैंडर्ड कोड होते हैं, राइट। अब इसकी दो चीजें हैं कि अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस कहलाता है और एक है मीडिया अटैचमेंट यूजर इंटरफेस। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ केबल की, सबसे पहले हम कोएक्सियल की बात करते हैं। कोएक्सियल केबल आप लोगों ने देखा है, कोएक्सियल आजकल जो टीवी चैनल्स के अंदर हम यूज करते हैं, यानी कि जितने भी आपको टीवी चैनल्स के जो केबल आ रहा होता है उसको ब्लैक कलर का, उसको हम कोएक्सियल कहते हैं। वैसे भी ये नेटवर्किंग के अंदर पहले यूज होता था और इसको हम बस टोपोलॉजी में ज्यादा यूज करते थे। इसके अंदर दो वायर होते हैं, एक अर्थ होता है और एक मेन वायर होता है जिसके अंदर डेटा ट्रेवलिंग करता है। तो इसको हम बेसिकली एथरनेट भी कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं कोएक्सियल केबल की, एक कहलाता है टेन बेस थिक नेट कहलाता है, 10 बेस 5, ठीक है। ये बेसिकली जो था रिंग टोपोलॉजी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, तो ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर यूज होता था। और इसके अंदर जो वायरिंग होती थी तकरीबन एक्स्ट्रा वायर होते थे, ये एक दूसरे से सपोर्ट रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होती थी वो तकरीबन 500 मीटर तक की होती थी, इसको हम यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक आया हमारे पास 10 बेस 2 थिन नेट, एक थिक नेट था और एक थिन नेट है। थिन नेट जो है ये हमारे पास बस टोपोलॉजी में यूज हुआ, राइट। और इसके अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था 30 डिवाइसेस से ज्यादा, यानी कि 30 पीसेस से ज्यादा हम कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसका जो मीटर था यानी कि लेंथ थी वो 185 मीटर्स होती थी, और ये बस टोपोलॉजी में यूज होता था, राइट। तो ये तो आते थे, यानी कोएक्सियल की दो टाइप्स हैं, एक थिक है और एक थिक नेट है, एक रिंग टोपोलॉजी में यूज होता और एक बस टोपोलॉजी में यूज होता। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो नई टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमारे पास है ये चलता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, राइट। एक बस में चल गया, एक रिंग में हो गया, और अब ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि एक स्विच होता है, उसके दरमियान सारे पीसेस कनेक्टेड होते हैं और उसके दरमियान जो वायर यूज होता है उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, इसकी दो बड़ी मेजर टाइप्स हैं। नंबर वन एक है शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली अब जरा इसको ट्विस्टेड का वर्ड समझ लेते हैं, ये ट्विस्टेड क्या है और नंबर टू पेयर क्या होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो केबल होता है, जब हम इसके केबल के अंदर वायरिंग देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जरा दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर ये केबल में आपको नजर आ रहा है कि वायर को ट्विस्ट किया हुआ, घुमाया हुआ है, राइट। इसके अंदर टोटल जो वायर होते हैं, इसके अंदर यूटीपी और एसटीपी के अंदर दो टाइप्स हैं इसकी। तो इसके अंदर टोटल जो वायर्स होते हैं वो 8 होते हैं और पेयर जो होते हैं वो 4 होते हैं, राइट। इसके अंदर जो पेयर होते हैं वो 4 होते हैं। तो इसकी दो बड़ी मेजर टाइप्स हैं। अच्छा, ट्विस्ट क्यों किया जाता है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ट्विस्ट करने की वजह, रीजन ये, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर में मूव करता है, अगर वो स्ट्रेट वायर होता है तो उसके गिर्द जो होती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उससे दूसरे वायर पे क्या होता है, डेटा क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए एक मेथड है कि जब इसको ट्विस्ट किया जाता है, अगर आप हैवी वायर भी देखें जो यहाँ पर हैवी करंट फ्लो हो रहा हो,
तो उसके वायरों को देखें तो वो ट्विस्ट हुए होते हैं। उसकी वजह रीजन ये होती है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको जीरो करना होता है। इधर लिखा हुआ भी है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरफेस कहलाती है। तो इसको डेटा को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो इसलिए इस वायर को क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। तो इस तरह से कितने पेयर हो गए, टोटल चार पेयर हो गए, और चारों एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। ये तो हो गई बात ट्विस्ट। अच्छा, पेयर भी बनाया जाता है। अब दो वायर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो है शील्ड ट्विस्टेड पेयर, इसका जरा समझ लें ये क्यों और कहाँ यूज होता है, और एक होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब अगर मैं बात करता हूँ कि शील्ड ट्विस्टेड पेयर, शील्ड का मकसद है कि एक वायर के ऊपर इस तरह की ये कोर चढ़ी हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर वायरिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं और की ले लेता हूँ कि ऊपर एक लैब और एक नीचे लैब है। अब मुझे वायर एक्सटर्नल लेके जाना है, राइट। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, शील्ड ट्विस्टेड पेयर की। तो जब मैं आउटडोर वायरिंग भेजूंगा और जो मेरा डेटा वायर है वो बाहर जाएगा, तो वहां पर हो सकता है इलेक्ट्रिकल वायर भी साथ साथ चल रहा हो। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें हैवी करंट फ्लो होगा, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो मेरे केबल को, जो मेरा डेटा है उसको क्रैश कर सकती है। तो इसलिए वहां पर जो एक्सटर्नल डेटा के लिए मैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर को यूज करूंगा। यानी कि जब भी मुझे वायरिंग करनी है तो मैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड से उसको बचाना है। तो इसलिए शील्ड का जो लिखा है वो इसी वजह से कि शील्ड इसकी लगाई जाती है। ये तो हो गई एक्सटर्नल के लिए। अब आ रही इंटरनल। तो इंटरनल जब हम वायरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल लैब की कर लेते हैं या किसी क्लासरूम की, तो वहां पर हमें अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, शील्ड ट्विस्टेड पेयर थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और अनशील्डेड थोड़ा लो प्राइस होता है। तो इसलिए हम लोग वहां पर, जहां पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहां पर अनशील्ड हम यूज करते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी इस वायर की, क्योंकि ये कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है और फ्यूचर में भी इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि अब तो वायरलेस सिस्टम आते जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इनकी अभी डिमांड है और चलती रहेगी। तो ये तो हो गया शील्ड ट्विस्टेड पेयर की और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर की थोड़ी सी हिस्ट्री। अच्छा, अब इसके अंदर डेटा फ्लो के ऊपर भी लिखा, तो यहाँ 100 और 1000 मेगा बिट पर सेकेंड, राइट। तो ये MB नहीं है, मेगा बिट पर सेकेंड है, राइट। तो ये डेटा फ्लो के नहीं होती है। तो इसकी सबसे, अभी इसकी भी टॉपिक में बात करता हूँ। तो ये तो दो हो गए वायरिंग की बात, एक शील्ड और एक अनशील्ड, राइट। थोड़ा सा याद रहेगा ये। अब आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर। अब इसके अंदर जरा सा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अनशील्ड की, थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं, ये वायर का पूरा, ये RJ45 कनेक्टर नजर आ रहा है, उसके साथ ये ब्लू कलर का पूरा वायर है, और फिर इसमें रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से ये आपको कुछ वायर नजर आ रहे हैं, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया। तो ये चार पेयर नजर आ रहे हैं। पेयर का मकसद है कि एक सेंडिंग होगा, एक रिसीविंग होगा, राइट। तो इसको जरा सा देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल जो कनेक्टर है, इस वायर को हम क्या कहते हैं, RJ, ये जो कनेक्टर है इसको कहते हैं RJ45, यहाँ लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, राइट। RJ45 है, और इसके अंदर टोटल जो वायर है वो 8 होते हैं, और पेयर जो होते हैं 4 होते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी लेवल की बात करें, तो इसकी कैट फॉर कैटेगरी यानी कि इसके अंदर जो वायर आना शुरू हुआ UTP और ST की, तो उसके अंदर सबसे पहले वायर आया हमारे पास कौन सा, कैट 1 कैटेगरी 1, जो टेलीफोन लाइन के अंदर यूज होता है, राइट। उसके बाद कैट 2 आया, जिसकी स्पीड थी 4 मेगाबिट पर सेकंड, डेटा ट्रांसफर जो रेट होता है उसकी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद आती है बात डेटा स्पीड थी की, कैट 3, वो तकरीबन 16 MB आया, सॉरी 16 मेगाबिट पर सेकंड हुआ। इसी तरह 4 आया, और अब 5 चल रहा है। 5 कॉमनली था, मगर जैसे ही अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो अब कैट 6 यूज किया जाता है, और कैट 6 की जो डेटा रेट है वो क्या है, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिस्क्राइब करूंगा दोनों के बारे में, कैट 5 और कैट 6 के बारे में। अक्सर हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है डेटा सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, यानी कि ईमेल वगैरह करना, इंटरनेट चलाना। तो वहां पर तो हम कैट 5 यूज कर सकते हैं, मगर जहां पर हम किसी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, और अगर हमें वीडियो शेयरिंग करनी है, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, वहां पर अगर हमने कैट 5 यूज करा तो हमारा डेटा क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी और कम्युनिकेशन ब्रेक भी हो सकती है। तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए हमें लाजमी कौन सा चाहिए, कैट 6 चाहिए, क्योंकि कैट 6 की ये स्पीड क्या है, 1000 मेगा बिट पर सेकेंड। तो वहां पर उस जगह पे तो आने वाला, यानी जब भी हमें कोई करना है, क्योंकि आजकल वॉइस मीटिंग जो अभी हम भी देख रहे हैं कि
जूम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा डेटा वीडियो